हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव, MBBS MD, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज मैं अपनी एम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट है DD सीरीज पार्ट 2 से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज का टाइम कोरोना टाइम चल रहा है, और इस कोरोना वायरस के ऊपर किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, या कोई भी PG एग्जाम दे रहे हो, चाहे NET PG, DNB, AIIMS PGI, चंडीगढ़, जिपमर, कोई भी, हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। और ये बात मैंने आपको एम्स एग्जाम से 2 दिन पहले भी बताई थी। और कोरोना वायरस के साथ साथ बाइट रेजिम एजेंट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, स्टरलाइजेशन, डिसइन्फेक्शन, PCR, RT-PCR, इन सब पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि यही रिसेंट ट्रेंड है जो ट्रेंड कर रहा है, आने वाले एग्जाम में करेगा। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करें। आज का क्वेश्चन तो आपको एक लाइन में मिल जाएगा उसका आंसर, कि इसका आंसर ये है, लेकिन इस क्वेश्चन पर जितने सारे MCQ फ्रेम हो सकते हैं सबको डिस्कस किया है, बहुत सारे निमोनिक्स ऐड किए हैं, बहुत सारे पॉइंट नए ऐड किए हैं, फ्लो चार्ट ऐड किए हैं, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सबको डिस्कस किया है। तो आपको करना क्या है, केवल आपको प्रॉपर नोट्स बनाने और उसको रिवाइज करना है। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आएगा, टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज के कंटेंट पसंद आएंगे। अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो एम्स सीरीज जून एम्स का क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द फॉलोइंग आर मेजर्स यूज्ड अगेंस्ट COVID-19 एक्सेप्ट। ऑप्शन ए 2% ग्लूटामाइन, बी 70% एथेनॉल, ऑप्शन सी फेस मास्क, डी हैंड वॉश। तो COVID-19 के मेजर में क्या यूज नहीं करते हैं, तो आपको पता ही था कि COVID-19 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट आंसर इज 2% ग्लूटामाइन। अब सारे ऑप्शन को एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। आपको पहले भी बताया कि जो 21 क्वेश्चन आए थे उसमें से 8 to 9 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए, जो 34 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं या 2 अपकमिंग वीडियो हैं। और जो ये टॉपिक है ग्लूटामाइन वाला जो एम्स में आया है, उसको मैं DD सीरीज के पार्ट 2 में डिस्कस किया मैंने। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि टॉपिक वही होते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो जाती है। तो टेक होम मैसेज क्या है इस क्वेश्चन का, कि आपको ग्लूटामाइन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको फार्माडाइड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कितनी परसेंटेज यूज करते हैं वो भी पता होना चाहिए, और एक क्वेश्चन जो बहुत हॉट फेवरेट है PGI का, कि कौन कौन से एजेंट ऐसे होते हैं जो स्पोरोसाइडर होते हैं, कौन से एजेंट ऐसे होते हैं जो स्पोरोसाइडर नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप सारे एजेंट एक साथ पढ़ लेते हो तो आपको यही नहीं पता होता है कि स्पोरोसाइडर कौन है और स्पोरोसाइडर कौन नहीं है। डकरिंग क्या होता है, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OT थिएटर में कौन सा फ्यूमिगेशन यूज करते हैं, तो अलग से जो पूछते हैं प्रियोंस के केस में और HIV इन्फेक्टेड मटेरियल के केस में। तो ये सारे आपको टेक होम मैसेज हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। आंसर तो आपको एक लाइन में मिल गया कि 2% ग्लूटामाइन रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है। वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से होते हैं, केमिकल मेथड को डिस्क्राइब करो। होता क्या है, जब केमिकल मेथड आता है तो आपको ये नहीं पता होता है केमिकल मेथड में क्या क्या लिखना है। फॉर्माडाइड अलग से पूछा जाता है आपको शॉर्ट नोट में, ग्लूटामाइन अलग से शॉर्ट नोट में आता है, और पूरा पूरा क्वेश्चन आता है। और लास्ट ईयर तो वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट शॉर्ट नोट में आया था CCS NST के एग्जाम में। देन स्टार्टिंग करते हैं, आपको ये ग्लूटामाइन सोल्यूशन स्पॉटिंग में रखा होता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई तो आप बड़ी इजीली कर लेते हो कि लिखा ही होता है, मेनली पूछते हैं इसकी यूजेज बताओ 2-3, फिर आपसे वाई वाई में पूछा जाता है, ठीक है।
अब ग्लूटाडाइड को डिस्कस करते हैं। ये एक सैचुरेटेड डाई एल्डिहाइड होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। इसका भी एक्शन सिमिलर होता है जैसे कि फॉर्मलडिहाइड का होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब दे आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, दे आर एक्टिव अगेंस्ट वायरस, दे आर एक्टिव अगेंस्ट स्पोर। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको नेट पीजी, एम्स पीजीआई, जिपमा, डीएनबी पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट्स हैं, कितनी परसेंटेज यूज करते हैं, 2%। और जो 2% एल्कलाइन ग्लूटाडाइड होता है उसका सोल्यूशन को हम कहते हैं सेटैक्स बोलते हैं। कई बार पूछा गया आपसे इज एन एल्डिहाइड डिसइंफेक्टेड विद ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में जो चार स्टेटमेंट लिखे होते हैं आपको एक स्टेटमेंट बताना होता है फाल्स है कि ट्रू है। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बैक्टीरियसाइडल होते हैं, वायरसाइडल होते हैं, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और एंटोवायरस पर एक्ट करते हैं, माइकोबैक्टीरियसाइडल भी होते हैं, स्पोरोसाइडल होते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी स्लो होती है। तो आपको याद रखना है एस स्क्वायर, एस फॉर स्लो एक्शन, एस फॉर स्पोरोसाइडल। स्पोर्स पर स्लो एक्शन होता है। और देर आर थ्री कैटेगरी ऑफ डिसइंफेक्टेड, हाई लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, लो लेवल। कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो कि ग्लूटाडाइड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है और ये प्लास्टिक को डैमेज नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी को हमने कई जगह यूज किया है। देन ग्लूटाडाइड यूज फॉर जितने भी स्कोप्स होते हैं, चाहे वो सिस्टोस्कोप हो, चाहे वो ब्रंकियोस्कोप हो, चाहे वो लरिंजियोस्कोप हो, चाहे एंडोस्कोप हो, जितने भी स्कोप्स होते हैं वहां पर ग्लूटाडाइड का यूज करते हैं। फेस मास्क, वहां भी ग्लूटाडाइड यूज करते हैं। पॉलिथीन ट्यूबिंग, ग्लूटाडाइड। कोरूग्रेटेड रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स, वहां भी करते हैं। प्लास्टिक एंडोट्रेकिया ट्यूब्स, तो आपको पता ना ये प्लास्टिक पर एक्ट नहीं करती है, मतलब क्या कहने का मतलब था कि डज नॉट डैमेज प्लास्टिक, ये प्लास्टिक को डैमेज नहीं करती है, इसलिए प्लास्टिक एंडोट्रेकिया ट्यूब्स पर भी इसका यूज करते हैं। मेट्रो इंस्ट्रूमेंट का के लिए भी इसका यूज करते हैं। रबर, प्लास्टिक एंड पॉलिथीन ट्यूब्स का भी के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि जितने भी स्कोप्स हैं सबके लिए ऑप्शन क्या है, ग्लूटाडाइड। कि किसी एग्जाम में ब्रंकोस्कोप पूछा जाएगा, किसी में पूछा जाएगा एंडोस्कोप, किसी में सिस्टोस्कोप। फेस मास्क के लिए भी ग्लूटाडाइड का यूज करते हैं। कैसे याद करना है आपको भी याद कराते हैं कि कोई भी स्कोप हो, क्लियर, रबर, प्लास्टिक एंड पॉलिथीन ट्यूब्स। तो कोई भी रबर का मटेरियल हो, प्लास्टिक का हो, पॉलिथीन ट्यूब्स हो, वहां पर कौन सा यूज करेंगे, ग्लूटाडाइड। आज आपको पता है आजकल पीपी किट के बारे में बहुत चल रहा है, पी मतलब पॉलिथीन ट्यूबिंग, पी मतलब प्लास्टिक एंडोट्रेकिया ट्यूब्स। तो सिंपल सी बात है कि चाहे कोई भी सिस्कोप हो, चाहे कोई भी सिस्टोस्कोप हो, ब्रंकोस्कोप हो, लरिंजियोस्कोप हो, एंडोस्कोप हो, कोई फेस मास्क हो, कोई भी पॉलिथीन ट्यूबिंग हो, या प्लास्टिक के एंडोट्रेकिया ट्यूब्स हो, या एनेस्थेटिक ट्यूब्स हो, या रबर की हो, या मेट्रो इंस्ट्रूमेंट्स हो, हर जगह ग्लूटाडाइड यूज करते हैं। इस स्लाइड्स से कम आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देन ये आपको याद हो गया। अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीआई, एम्स, जिपमर कि कौन कौन से एजेंट होते हैं स्पोरोसाइडल होते हैं, आप उसको कैसे याद करोगे। उसको याद करने का एक निमोनिक है अच्छा सा, कि आपको पता है कि जो मॉर्निंग क्लास होती है एमबीबीएस ड्यूरेशन में 8 to 9, उसमें अक्सर लड़के नहीं जाते हैं, जाती हैं लड़कियां, ऐसा नहीं सारे लड़के नहीं जाते, मोस्टली लड़के क्लास बंक मारते हैं। तो वो अपने गर्लफ्रेंड से क्या बोलते हैं कि हेलो गर्लफ्रेंड, जी फोन गर्लफ्रेंड, कि प्रॉक्सी लगा देना। प्रॉक्सी बहुत कॉमन है मेडिकल कॉलेज में, सबको पता है ये टर्म। तो गर्लफ्रेंड भी बड़ी स्मार्ट है, तो वो क्या बोलती है, बेटा नो, कोई प्रॉक्सी नहीं लगेगी। और आपको पता है कि आप मेरी क्लास में तो वैसे ही प्रॉक्सी नहीं लगा सकते हो। तो कैसे आपको याद रखना है, हेलो मतलब हेलोजेंस कंपाउंड, जी एफ, जी मतलब ग्लूटाडाइड, एफ मतलब फॉर्मलडिहाइड, प्रॉक्सी प्रॉक्सी जंस। तो लड़की क्या बोलती है, बेटा नो, बेटा
बीटा प्रोपियोलैक्टोन ई टी एथिलीन ऑक्साइड, नो मतलब ओजोन। तो सिंपल आपको एक निमोनिक याद रखना है, हेलो गर्लफ्रेंड हेलोजन कंपाउंड, जी फॉर ग्लूटाडाइड, एफ फॉर फॉर्मलाडिहाइड, प्रॉक्सी लगा देना प्रोक्सीजेंस, बीटा नो, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ईटी मतलब एथिलीन ऑक्साइड, नो मतलब ओजोन। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऑल ऑल द फ्लाइंग आर स्पोरोसाइडल एजेंट, विच ऑफ द फ्लाइंग आर स्पोरोसाइडल एजेंट एक्सेप्ट। तो अभी आपको बताया ग्लूटाडाइड स्पोरोसाइडल एजेंट होता है एस स्क्वायर, लेकिन उसका एक्शन कैसा होता है, स्लो होता है। जब अलग से चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे तो फिर एक एक करके करेंगे, लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोरोसाइटल एजेंट पर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये पूरा याद होगा निमोनिक, देन हेलो गर्लफ्रेंड ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो हेलोजन कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं, आयोडीन कंपाउंड और क्लोरीन कंपाउंड, आयोडीन कंपाउंड में आयोडीन और आयोडोफोर्स, और जो क्लोरीन कंपाउंड में आते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन टैबलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि द मोस्ट वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट फॉर एचआईवी इन्फेक्टेड मटेरियल इज हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो एचआईवी इन्फेक्टेड मटेरियल होता है उसको किसके सोल्यूशन से डिसइंफेक्टेड करते हैं, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से। ठीक है, तो आपको ये लैब में भी पता होना चाहिए और पीजी एग्जाम में और वाइवा में तो आपसे पूछा ही जाता है। देन प्रोक्सीजेंस में कौन कौन थे, P3 आपको पता ना P3 कंप्यूटर होता है, P मतलब प्रोक्सीजेंस, P मतलब परऑक्साइड, कौन सा परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और P मतलब पर एस्टिक एसिड। तो आपको सारे ऑप्शन यहां से क्लियर हो गए कि टेबल में अगर आप देखो कि हेलोजन कंपाउंड में कौन सा आ गया, आयोडीन और क्लोरीन कंपाउंड आ गए, ग्लूटाडाइड फॉर्मलाडिहाइड, परऑक्सीजेंस में क्या क्या आ गया, P3 आ गया, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, एथिलीन ऑक्साइड और ओजोन। फॉर्मलाडिहाइड को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर ग्लूटाडाइड को डिस्कस करें तो फॉर्मलाडिहाइड का भी डिस्कस करना बनता है, क्योंकि दोनों पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फॉर्मलाडिहाइड को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्वस फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, एक्टिव अगेंस्ट द अमीनो ग्रुप इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अमीनो ग्रुप पर टारगेट करता है, एक्ट करता है। देन जो इसका एक्वस फॉर्म होता है उसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं, कितने परसेंट को, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मलाडिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन, इट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जो स्पेसिमेन होते हैं उसको जो प्रिजर्व करते हैं वो 10% एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, उसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं। और अगर हमें कॉमर्शियल फॉर्मलिन सॉल्यूशन होता है तो 40% वेट बाय वॉल्यूम होता है, और फॉर्मलाडिहाइड इन वाटर विद 10% मेथानॉल, क्यों, टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे ऑल इंडिया पीजी में पूछा सकता है या एम्स में या जिपमर में कि उसके साथ 10% मेथानॉल क्यों मिलाते हैं, टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन, टू डिसइंफेक्ट एंड क्लीन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स। हम क्या करते हैं, जो बोरेक्स फॉर्मलाडिहाइड सॉल्यूशन होता है उसमें 5% सोडियम टेट्राबोरेट और 4% फॉर्मलाडिहाइड इन वाटर मिक्स कर लेते हैं। तो हम जो अगर हमें मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करना है, डिसइंफेक्टिंग करना है, तो हम जो सोल्यूशन बनाते हैं उसमें हमारा बोरेक्स फॉर्मलाडिहाइड वो सोल्यूशन होता है, 5% सोडियम टेट्राबोरेट होता है और 4% फॉर्मलाडिहाइड होता है इन वाटर। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 10% को फॉर्मलिन कहते हैं, 40% वेट बाय वॉल्यूम को हम कॉमर्शियली यूज करते हैं, और इस सोल्यूशन को हम यूज करते हैं मेटल को क्लीन करने के लिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू डिस्ट्रॉइंग एंथ्रेक्स स्पोर्स इन वूल एंड हेयर हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मलाडिहाइड यूज करते हैं। इस मेथड को हम डकरिंग बोलते हैं, और कितने परसेंट फॉर्मलाडिहाइड यूज कर रहे हैं, 2%, 10% फॉर्मलिन, 40% कॉमर्शियली वेट बाय वॉल्यूम, और डकरिंग में कितने करते हैं, 2% फॉर्मलाडिहाइड यूज एट 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वूल। तो आपको ये बिल्कुल पता चाहिए कितना परसेंटेज है, कितने टेम्परेचर और कितने टाइम के लिए। देन अगर एनिमल हेयर और ब्रिस्टल्स को हमें करना है तो 0.25% सोल्यूशन यूज करते हैं एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 आवर। तो ये जो है स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। देन अदर यूज क्या है,
टू प्रिपेयर टॉक्साइड फ्रॉम टॉक्सिन, और बैक्टीरिया वैक्सीन को स्टलाइज करने में यूज करता है। तो आपसे वाई में पूछा है कि बैक्टीरिया वैक्सीन को स्टलाइज करने में कौन सा मेथड यूज करते हैं। फॉर्मेडेट जो एक्वस फॉर्म होता है वो बैक्टीरियासाइडल भी होता है, स्पोरोसाइडल भी होता है और वायरसाइडल भी होता है। अभी बताइए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट पॉजिटिव, इट इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट प्रियॉन्स, लेकिन ये प्रियॉन्स पर एक्ट नहीं करता है। इट इज इनएक्टिवेटेड बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन फॉर 1 आवर, और दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू हाउस होल्ड ब्लीच, फिनॉल और आयोडीन। तो ये आपको याद रखना है कि प्रियॉन्स पर कौन एक्ट करता है कौन नहीं करता है। तो प्रियॉन्स पर फॉर्मेडेट सोल्यूशन एक्ट नहीं करता है, नॉट एक्टिव अगेंस्ट प्रियॉन्स। ठीक है, फॉर्मेडेट क्या दो फॉर्म में यूज था, एक था आपका एक्वस फॉर्म है, दूसरा गैसेस फॉर्म है। तो जो गैसेस फॉर्म में यूज करते हैं फ्यूमिगेशन में, ओटी थिएटर्स में, वार्ड्स में, सिक रूम में, लेबोरेटरीज में, क्लॉथिंग, बेडिंग, फर्नीचर, बुक्स, रैक्स, इन सब में जो हम यूज करते हैं फॉर्मेडेट गैस का यूज करते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें फ्यूमिगेट करना है वार्ड्स एंड सिक रूम में, द एटमोस्फेयर प्रेशर शुड हैव हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवर 60% एंड टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। क्या प्रिकॉशन है, जो ये फॉर्मेडेट जो गैस होती है अगर हमने इसको इनहेल कर लिया तो बहुत इरिटेट होती है, टॉक्सिक होती है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसइंफेक्शन द इफेक्ट ऑफ रिटेंट वेपर्स शुड बी एक्सपोजर टू अमोनिया वेपर, ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए। देन क्वेश्चन पर आते हैं, द फॉलोइंग आर मेजर्स यूज अगेंस्ट COVID-19। तो आपको पता है 2% ग्लूटेडाइड तो यूज करते नहीं है। अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुके सारे से स्कोप में करेंगे, ब्रोंकोलेरिंगियो एंडोस्कोप, रबर ट्यूबिंग में करेंगे, एनेस्थेटिक ट्यूब में करेंगे, मेट्रस ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हम COVID-19 में कहीं भी 2% ग्लूटेडाइड का यूज नहीं है। फेस मास्क आपको पता है सभी यूज कर रहे हैं, टीवी पर कितना आ रहा है हर जगह की फेस मास्क यूज करना है, फेस शील्ड यूज करना है, और हैंड वॉशिंग। कोरोना की वजह से कुछ चेंज आए या ना आए, लेकिन जो हमारी जो डेली में एक्टिविटी की लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। हैंड वॉशिंग, हम हैंड वॉशिंग प्रॉपर करना सीख गए हैं, मास्क लगाना सीख गए हैं। अब तो बहुत सारे स्टेट्स में क्या पूरे इंडिया में मैंडेटरी हो गया, अदरवाइज फाइन है। अब जो बी ऑप्शन है 70% एथेनॉल, इसको डिस्कस करते हैं। 70% एथेनॉल जब हम PCR करते हैं तो PCR में जो स्टेज होती है RNA एक्सट्रैक्शन, वहां भी 70% एथेनॉल यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन के लिए। देन एल्कोहल में अगर आते हैं तो दो तरह के एल्कोहल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एथाइल एल्कोहल, दूसरा एसोप्रोपाइल एल्कोहल। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, दे एक्ट बाई डीनेचरिंग बैक्टीरिया प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं। देन कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन स्लोअर देयर एक्शन, उसका एक्शन स्लो जाता है। अगर उसके एक्शन को एनहांस करना है तो 1% मिनरल एसिड या एल्कली मिक्स कर देते हैं तो उसका एक्शन एनहांस हो जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे रैपिडली किल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ट्यूबिकल बेसिलाई। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ट्यूबिकल बेसिलाई पे कौन एक्ट नहीं करता है, तो करते हैं एल्कोहल, बट दे हैव नो एक्शन ऑन स्पोर्स। तो यही लिस्ट है, आप देखो कि स्पोरोसाइडल एजेंट में GF है, हेलोजन है, परोक्सीजन से बीटा पेपरलॉक्टोन है, एथिलीन ऑक्साइड है, ओजोन है, लेकिन कहीं भी एल्कोहल नहीं है। तो लास्ट ईयर PGI में क्वेश्चन आया था ऑल दी स्पोरोसाइडल एजेंट एक्सेप्ट, तो उसका ऑप्शन था आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो एल्कोहल नहीं होते हैं स्पोरोसाइडल एजेंट। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो इसका यूज करते हैं स्किन एंटीसेप्टिकली यूज करते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबकी नॉर्मल कंसेंट्रेशन कितनी यूज करते हैं, यहां पर करते हैं 60-70%। और एसोप्रोपाइल एल्कोहल का यूज मेनली करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर्स। तो ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, कई बार पूछा गया है। और ये लाइन PGI चंडीगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज प्रेफर्ड टू एथाइल एल्कोहल बिकॉज ऑफ बेटर फैट सॉल्वेंट, मोर बैक्टीरियसाइडल एंड लेस वोलाटाइल। एसोप्रोपाइल एल्कोहल को हम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एथाइल एल्कोहल। ठीक है,
देन मेथाइल एल्कोहल इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल स्पोर्स के लिए एक्टिव होता है। तो दो मेन एल्कोहल आपको याद रखने हैं, एथाइल एल्कोहल, एसोप्रोपाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल के बारे में आपको दो पॉइंट याद रखने कि ये एक्टिव होते हैं अगेंस्ट, इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट फंगल स्पोर्स, और जो हम कैबिनेट्स होते हैं या इंक्यूबेटर्स होते हैं जो अफेक्टेड होती है वहां पर इसको हम यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन। तो बिल्कुल याद रखना है इस पॉइंट को आप। मेथाइल एल्कोहल वेपर इज टॉक्सिक और इन्फ्लेमेबल, रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट, एथाइल एल्कोहल 70%, 60-70%, ग्लूटेराइड 2%, सीडेक्स बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% या 0.1%, दोनों कंसेंट्रेशन का यूज करते हैं अलग अलग जगह, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन बीटाडीन 2%, लाइसोल 2.5%, सेवलॉन, क्रोलोहेक्सीडीन और सेट्रामाइड का यूज 2% और 5%। तो ये सारी कंसेंट्रेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बेटा लाइसोल से ही सेविंग करो या सेव करो, कुछ भी आप याद कर सकते हो। तो बेटा मतलब बीटाडीन, लाइसोल मतलब लाइसोल 2% 2.5%, सेवलॉन मतलब क्लोरोहेक्सीडीन है, सेट्रामाइड 2% और 5% दोनों यूज करते हैं। और जो ऑप्शन सी और डी था वो आपको पहले ही से पता है, ऑलरेडी डिस्कस है, फेस मास्क मैंडेटरी है, हैंड वॉशिंग सबको पता है। तो एक एक ऑप्शन को डिस्कस किया है। तो इस 20-22 मिनट की वीडियो में आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा टॉपिक सेम है, क्वेश्चन अलग फ्रेम होते हैं। अगर आपको आज के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।